हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है मेरी नमक पारे। तो शुरू करने से पहले, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हम जब भी शाम के टाइम चाय पीते हैं तो मन होता है साथ कुछ नमकीन हो। तो आप ऐसे घर पर नमक पारे बनाकर हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आप चाय पिए नमक पारे चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो नमक पारे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा। तो मैदा को मैं एक बाउल में ले लूँगी और 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को मैं हाथ में ले लूँगी और हाथों में क्रश करके मैदा में ऐड कर दूँगी। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक को भी ऐड कर दूँगी। नमक अपने स्वाद अनुसार ले। यहाँ पे मैंने रिफाइन तेल लिया है, आप हो सके तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 चम्मच मैं रिफाइन तेल ऐड करूंगी और रिफाइन तेल को अब मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए, मैंने मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल को। देखिए, एक मुट्ठी बनाने से मुट्ठी बन रहा है। तो तेल अच्छे से मैदा में लग गया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा डो बना लूंगी। तो मैंने एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा रिफाइन तेल लूंगी और मैदा के ऊपर चारों तरफ से लगा लूंगी और 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक दूंगी। 10 मिनट के बाद मैं कपड़ा उठा लूंगी और 2 मिनट तक फिर से मैं मैदा को ऐसे मलती रहूंगी। इससे मैदा काफी सॉफ्ट हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे लोइया बना लेना है। तो ऐसे सारा बना लिया है मैंने लोइया। तो एक लोई मैंने लेके ऐसे हाथ से प्रेस कर लेना है और फिर इसको बेल लेना है। तो देखिए, मैंने बेल लिया है। अब जो इसकी परत है इतनी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब मैं काट लूँगी ऐसे करके। आप घर बैठे आराम से बना सकते हैं नमक पारे, बहुत ही इजी है। और ऐसे मैं काट लूंगी और एक एक करके ऐसे अलग कर लूंगी और रखती जाऊंगी ऐसे मैं। तो देखिए, मैंने ऐसे बना लिया है सारा। अब गैस के ऊपर कढ़ाई को बिठा दूंगी और रिफाइन तेल ऐड कर दूंगी। तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। तो देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब नमक पारे को मैं तेल के ऊपर छोड़ूंगी ऐसे करके। तो देखिए, ऐसे करने से नमक पारे एक दूसरे से अलग हो जाएगा और लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। और 5 मिनट तक मैं ऐसे फ्राई करती रहूंगी। पांच मिनट के बाद देखिए, नमक पारे बनके हमारा रेडी है दोस्तों। ऐसे मैं सारा फ्राई कर लूंगी। तो नमक पारे की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।